हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी गर्ल राइडर्स का कंपैरिजन, और वो बाइक चलाती हुई दिखाई देंगी हमें इसमें। इंडिया में तो मैंने देखा है, गांव की लड़कियां भी देखी हैं, शहर की लड़कियां भी देखी हैं अपनी आँखों से चलाते हुए, लेकिन इसमें पहली बार देखेंगे क्या पाकिस्तान में भी लड़कियाँ चलाती हैं बाइक्स। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला मुझे जो कॉमेंट दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फनी मुझे लगा इसमें, तभी मैं आजकल पैदल भी फुल सेफ्टी गियर पहन के चलता हूँ। लड़कियाँ बाइक चलाएंगी, लड़कियाँ स्कूटी चलाएंगी तो लड़कों को भरोसा नहीं होता, वो ठोक देती है ना, इसलिए ऐसा कुछ कमेंट लिखने की इन्होंने, लड़कियाँ कहीं इनको ठोक ना दे इसलिए गियर पहन कर चलते हैं। काफ़ी फनी था, सही था। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाकिस्तानी बाइकर गर्ल्स, ओके, क्या बात है। अच्छा ये कुछ बता रहे थे कि मैंने अपनी बच्ची को इसलिए बाइक दी है, आज भी छोटी बच्ची, ये तो लीगल भी नहीं होगा, अलाउड नहीं है इतना छोटे बच्चों को देना। बच्चा बच्चे को बिठाकर चला रहा है। देखती भी जा रही है, ये भाई बहुत चलती है वहां पर, क्या बात है। अगर कभी रात को लड़कियां 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 पब्लिक प्लेसेस में भी, ये मैडम प्रोफेशनल लग रही है, कौन है, बाइक भी अच्छी है इनके पास। चुपके से बनाई हुई वीडियो है, इंडियन बाइकर गर्ल्स। ओह बुलेट, स्टार्टिंग ही बुलेट से हुई है। वाह स्टंट, इंडिया में तो कॉमन है, बहुत चला गया। इंडिया वाले तो हैवी है, हैवी बाइक्स की वीडियो में पल्सर 220 इतनी छोटी बच्ची है। I won't percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Dennis, yeah. You never had a chance like an abortion. Bro, you don't wanna play with me to forfeit. Shit, took it to a place they never thought he could. Not alone, wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am up, put you move. I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire. Put my path away. Never pass it by a quiet till I'm crashing, yeah, I'm higher. They were sleeping, they were snoozing me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. I don't know what to do with me. I keep going hard like I'm a beauty. Rebellious in my blood, there ain't no fooling me.
फाइव बार हो रही है भाई, भाभी ये टिकटॉक वाला सीन था। अच्छा इंडिया पाकिस्तान का इसमें कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पर इस टाइप का कल्चर भी नहीं है कि इतनी हैवी बाइक या फिर अपनी वैसी बाइक चला सके, जो चला रही है वही बहुत है। ये पाकिस्तान की है, सो गाइस बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, अच्छा वीडियो था। इसमें हमें देखने को मिली इंडियन गर्ल्स, पाकिस्तानी गर्ल्स। इंडियन गर्ल्स को देखना, आप बाइक राइडिंग करते हुए देखना, मुझे कोई शौक नहीं लगा, लेकिन कुछ कुछ मुझे चीज़ें देखने को मिली इसमें इंडिया की भी, कि वो बहुत हैवी बाइक्स चला रही थी, बुलेट्स थी, R1 थी, और बहुत सारी बाइक ऐसी थी जो हैवी हैवी बाइक्स हैं। और हैवी बाइक एक पल्सर 220 आती है, मिलती है, और वो एक बच्ची चला रही थी। मैं हैवी बाइक्स इंडियन गर्ल्स चलाती हुई दिखाई दी, लेकिन पाकिस्तान में जो भी बाइक्स चला रही थी वो एक बहुत फेमस बाइक, आई डोंट नो इसका क्या नाम है बाइक का, यामाहा करके होगी या फिर ये, या फिर पता नहीं, आई डोंट नो किसकी है, लेकिन वो बाइक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती है। एंड ये भी शॉकिंग था मेरे लिए कि पाकिस्तानी गर्ल्स जो हैं वो भी चलाती होंगी, मतलब ऐसा इमेजिन नहीं किया था मैंने कभी, इसलिए देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था, अजीब भी लगा मुझे देखकर कि अरे भाई चला रही हैं, और अच्छा भी लगा देखकर कि हाँ चलो चला रही हैं। तो अच्छे वीडियोस थे। पाकिस्तानी वीडियोस की बात करो तो इसमें लास्ट में जो थी वो एक स्टंट गर्ल है पाकिस्तान की, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो स्टंट गर्ल है लास्ट में जो स्टंट कर रही थी हैवी बाइक पे। तो उन्होंने सारी जो इंडियन हैवी बाइकर थी जो लड़कियाँ, उनको टक्कर दे दी। मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई लड़की आएगी नहीं, लेकिन लास्ट में हमने वीडियो देखा, वो मैंने इंक्लूड किया था स्पेशली अलग से, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि स्टंट गर्ल होगी कोई ना कोई पाकिस्तान में है, मुझे ऐसा मेरे माइंड में था कुछ महीने पहले या फिर कभी देखा होगा, तो वो मैंने इंक्लूड किया है इसीलिए कि लेवल बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ नहीं चलता है, कंपैरिजन है लेकिन कल्चर का डिफरेंस है। अगर माने तो हैवी बाइक्स इंडिया में ज़्यादा चलाती हैं लड़कियाँ, लड़के खुलकर भी चलाती हैं, उनको कोई वैसा कुछ हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में होती है, इसलिए हमें शायद ही कमी से देखने को मिलती होंगी, कम ही चलाती होंगी, और उनको हिचक रहती होगी कि हम चलाएंगे तो लोग देखेंगे, लोगों की नज़रों का सामना करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। वो बच्चे भी हमें इसमें देखने को मिले, छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी बाइक चला रहे थे, इंडिया में भी, जो कि सही नहीं है, गलत है, और ऐसे बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। आई थिंक इस वीडियो को देख कर शायद ही किसी ने पकड़ा हो उनको देने वालों को, बाइक को देने वालों को जिन्होंने उनको बाइक दी, पकड़ना चाहिए। मज़ा आया देखकर, अच्छा लगा, मतलब अंदर से कि हाँ वहाँ पर भी लड़कियाँ इस तरह से, ये एक नई चीज़ थी देखने के लिए, तो मज़ा आया इसको देखकर। आपको आया मज़ा तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।